बल्लू। मोहब्बत में धोखा देने की एक ही सजा है, मौत। ये कहना है खुद को संजय दत्त का फैन बताने वाले बल्लू उर्फ अदनान का, जिसने अपनी प्रेमिका आसमा की धार धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। इस सरफिरे आशिक का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपना जुर्म साफ साफ कबूल रहा है। किसी सनकी की तरह हंसते अदनान का ये वीडियो आपकी रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर देगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बल्लू को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ रहने वाला बल्लू उर्फ अदना एक शादीशुदा औरत आसमा से प्यार करता था। बल्लू ने उसे मिलने के लिए खिरखानी मोहल्ला स्थित कब्रिस्तान में बुलाया था। आरोप है कि यहाँ पर युवक ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ मौके से फरार हो गया। जब कुछ लोगों ने मृतका की बॉडी देखी तब पुलिस को सूचना दी गई। इस वायरल वीडियो में आरोपी के चेहरे की बदमाशी ये साफ जाहिर कर रही है कि उसे इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। आंख में काजल और लंबे बाल में दिखाई दे रहा आरोपी ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि प्यार में धोखा देने की सजा सिर्फ मौत है, इसीलिए उसको मार दिया। अगर दोस्त भी धोखा देता तो उसे भी मार देता। आरोपी ने आगे बताया कि वो संजय दत्त का फैन है और खलनायक फिल्म के किरदार पल्लू से बहुत ज्यादा प्रभावित है। युवक को वीडियो में आगे कहते हुए देखा जा सकता है कि अगर उसके परिवार को कोई परेशान करेगा या उनकी तरफ कोई आंख उठाएगा तो उसको वो बम से उड़ा देगा। उसने आगे कहा कि मेरा एनकाउंटर नहीं होगा, एनकाउंटर तो उनका होता है जो 10 हत्या करते हैं, मैंने तो एक ही की है। इस पूरी घटना पर और ऐसे सिरफिरे आरोपियों पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।